अब यार हम कुछ जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पर हम बैठ जाएं। मेरा फोन जो है वो गिर गया था अंदर। मेरे सामने ये दो इडियट्स हैं। Yo, what's up guys? What's good guys? What's popping, man? आज यार हमारा प्लान है बीच पर जाने का, और जो बीच पर जाने का हमारा प्लान बना वो बना ऑल ऑफ द सडन। बाय द वे मौलवी लग रहा हूँ ना, मौलवी बन के आज बीच पर जाना है। ये यार रात को ना मैं अपनी मूछें दाढ़ी वगैरह सेट कर रहा था, वो मूछें मैं अपनी ख़राब कर बैठा और जिसकी वजह से फिर मुझे वो ना उड़ानी पड़ी। खैर अब हम जा रहे हैं बीच के लिए और वहाँ चल के ऑब्वियसली इंजॉय करेंगे, और तो कुछ नहीं करना वहाँ जाके, हमने अपने आप को टैन करना है। क्योंकि हम यार लास्ट वीक भी गए थे, उससे पिछले वीक भी गए थे, लाइक एवरी अदर वीक या एवरी वीक जा रहे हैं हम, तो टैन तो काफी ज्यादा हो चुके हैं। खैर अब टैन हो गया, ट्रिपल टैन हो जाएगा। अब हम चलते हैं और बीच के लिए निकलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं, अगर रास्ते में कहीं रुके या कुछ लिया वगैरह आपको वो भी दिखाते हैं और वहाँ चल के मिलते हैं। यार हम इधर वॉलमार्ट रुके थे क्योंकि हमने यहाँ से वो परचेस करनी है शॉर्ट्स वगैरह और सारा कुछ, और मेरे सामने ये दो इडियट्स हैं। सो इन लोगों ने यहाँ आना था और मैंने लेने थी शॉर्ट्स और साथ में लेने थे शूज। इधर देखना, इधर देखो। निकल के बैठ जाके हम लेते हैं अपना शॉर्ट्स अपनी और अपने शूज और साथ में लेते हैं सनस्क्रीन वगैरह जो भी हमें चाहिए वो सारा कुछ लेते हैं। आ गए यार कच्चे लेने, ये देखो कच्चे कच्चे हैं यार, हमें इधर कच्चे नहीं पसंद आ रहे कि कच्चे कौन से ने, क्योंकि इनके पास वो जिस तरह कॉटन और जीन्स के हैं ना वो वाले हैं, लेकिन बीच का नहीं है इनके पास। मेरे पास था यार वो, घर पड़ा है। व्हाट यू डूइंग ज़ैफा? गॉड डेड। इवेंचुअली हमने कर ली शॉपिंग, ये शूज़ हैं, ये शर्ट है, ये निकर है, सारा कुछ, और चलते हैं अब चेकआउट पे। हम पहुंच चुके हैं अटलांटिक सिटी और अब हमें क्या करना है, गाड़ी में जाना है, टर्न बाई टर्न सब ने चेंज करने, जिसमें से गजाल ने चेंज कर लिया, हुज़ैफ़ा अंदर चेंज कर रहा है, हुज़ैफ़ा के बाद आएगी मेरी टर्न और अंदर जाके मैं कपड़े अपने चेंज करूँगा, कपड़े चेंज करके अपना सारा सामान उठा के आप लोगों से मिलता हूँ। यार सबसे ज़्यादा जो हार्ड पार्ट होता है ना लाइक बीच पर आने का, वो होता है इधर से ये सारा क्रॉस करने का, ये जो सैंड के ऊपर चलना पड़ता है ना, पाँव दब जाते हैं अंदर, बड़ा ना वो एक चैलेंजिंग होता है, चढ़ चढ़ के ना बंदा सांड बन जाता है, इस तरह होता है। वही ना, एक तो ये चैलेंजिंग होता है और ऊपर से यार बड़ी ना एफर्ट की जरूरत होती है इसमें जब चलते हैं, क्योंकि पैर ना बिल्कुल जमते हैं। आज इन्होंने ये पता नहीं क्यों बंद किया हुआ है, इवेंट है, देख के जाएंगे जी इवेंट, पता नहीं इन्होंने ये सामने बैरियर्स वगैरह ये लगे हुए हैं, पता नहीं क्यों लगे हुए हैं। पानी ज्यादा ये इन्हें बड़ा अंदाजा है, इन्हें पानी के बहाव का बहुत अंदाजा है यार, ये तो मोटे थक जाते हैं। ये ना ये वाला पहन पहन के शेर का हुज़ैफ़ा का, हाँ जो सबसे फनी स्टोरी है हुज़ैफ़ा का, यार क्या एक्सीडेंट बीच में लग रहे हो, बीच में यार जो हुज़ैफ़ा का कच्चा है ना वो आ गया टाइट, काफी टाइट आ गए। उन्होंने काफी ज्यादा साफ रखा हुआ है, लेकिन आज ये है कि रश भी काफी है। आपको याद होगा हम ईद पर भी आए थे, तब आपने देखा था कि सर्दियां थी और कोई इतना रश वगैरह नहीं था, लेकिन आज आज तो रश भी बहुत ज्यादा है और ऊपर से गर्मी भी आ जाए। हमने वैसे भी एक तो हम ऑलरेडी टैन है, ऊपर से हमने ये बीच पर बैठ जाना है और हमने बिल्कुल ही वो ब्राउन स्किन से हमने डार्क स्किन हो जाना है, लेकिन ये सनस्क्रीन इतना हेल्प आउट कर देती कि वो सन बर्न वगैरह ये वो नहीं होगा, बाकी तो इसका कोई ऐसा कमाल नहीं है। अब यार हम कुछ जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पर हम बैठ जाएं, लेकिन यार इधर का सबसे ज़्यादा सीन जो होता है ना अच्छा वो ये होता है कि इधर ये जो बर्ड्स हैं ना इस तरह साथ बैठी होती हैं, ये बड़ा एक इम्प्रेसिव सीन सा होता है। खैर हमें मिल गई है जगह, रखते हैं अपनी कुर्सियाँ।
हमने रख ली है कुर्सियां शुर्सियां बैठ गए सनस्क्रीन वगैरह लगा कर। इधर बस ये है कि यार इधर ज्यादा यही होता है कि इधर आपको फीलिंग्स अच्छी आती है, अच्छी वाइब्स आती है। दूसरा यहाँ पर एक और बड़ी मजे की चीज है कि इधर से प्लेन्स गुजरते हैं और प्लेन्स गुजरते हमने जिस तरह एक वाइस सिटी में देखा होगा प्लेन गुजरते हुए एडवर्टाइज कर रहे होते हैं और एडवर्टाइज करते जा रहे होते हैं, किसी भी चीज की एडवर्टाइजमेंट होना वो करते हैं, तो वो एक बड़ा खूबसूरत लगता है कि इधर से हेलीकॉप्टर लाइक एवरी 5 मिनट्स इधर आ रहे, उधर से क्या कहते हैं जेट्स की कोई चला रहा है। तो इधर ये है कि जिनके पास प्राइवेट है वो ही लोग करते हैं, इधर वरना जेट्स की तो नहीं मिलती हमने पता की है। अब हम यार चलते हैं पानी के अंदर। हम आए यार अभी नहा कर वापस और मेरा फोन जो है वो गिर गया था अंदर, खैर मिल तो गया लेकिन अभी भी चल रहा है, बंद नहीं हुआ। पता नहीं मुझे नजर नहीं आ रहा सही कि जो वीडियो है ये ब्लर बन रही है या नहीं, लेकिन यार पानी का जो बहाव है बहुत तेज है, बहुत ज्यादा तेज है कि यार प्लेन ही हो तो आप जैसे अंदर जाते हो ना वो वेव इतनी जोर से आती है और दूसरा आपका जो पाँव है ना वो रेस से स्लिप होता है, सारा नमक नमक सा मुंह में अजीब सा टेस्ट है। और यार ऊपर से इधर से गंदी चीजें बहुत मिलती हैं जो कि बताने वाली, मतलब कि उन चीजों का स्पेसिफिक नेम ही बताने वाला, बट मिलती हैं इधर। अब क्या कर सकते हैं, उन्हें देख के ना थोड़ी सी अजीब सा फील होता है और फिर ये सोचते हैं कि ये तो चलता हुआ पानी बहाव वाला है जो कि साफ है। अभी तो यार हमने पीढ़ी मच यही करना, खाने का देखते हैं कि खाना हमने क्या खाना है। हो सकता है कि हम उधर वो जो पीछे आपको नजर आ रही है सारे बिल्डिंग्स, ये जितने भी सारे बिल्डिंग्स हैं ये सारे खाने वगैरह की हैं, इधर डिफरेंट मॉल्स रेस्टोरेंट्स और सारा कुछ है। और जो मेरे लेफ्ट साइड पर है ये वाली जो आपको येलो कलर की बिल्डिंग नजर आ रही है, आई मीन मस्टर्ड कलर, मस्टर्ड है येलो है जो भी है, तो ये है कैसीनो। इसके बाद हमने कुछ खाना है, खाने के बाद ऑब्वियसली फिर जाएंगे कपड़े वगैरह चेंज करके उधर, आपको वो भी दिखाता हूँ कि जहाँ शावर लेते हैं लाइक वो ओपन बाथ है तो वहाँ शावर लेके थोड़ा सा मिट्टी वगैरह दूर करके, क्योंकि अभी तो मिट्टी से ये देख लो इसे पूरे भरे हुए हैं। और उधर बाकी बोर्ड वॉक को भी हम लूप करते हैं कि उधर के, मैंने एक चीज़ ट्राई करनी है, एक चीज़ का एक्सपीरियंस लेना है। मैं उसके लिए हमेशा से ना कुरियस था कि यार वो जो पानी इसके सैंड के अंदर वो दबाते हैं और फिर वो कैसा फील होता है, लाइक कि आप नीचे होते हो और आपके ऊपर मिट्टी सारी डाल के आपको दबा देते हैं, बस मुंह आपका बाहर होता है। लोग मुझे उसके अंदर, हम वो गड़ा सा खोदेंगे उसके अंदर, मैं बैठूंगा मतलब लेटूंगा और उसके ऊपर मेरे ऊपर मिट्टी डालेंगे और वो देखते हैं कि वो एक्सपीरियंस हमारा कैसा जाता है, मतलब मैं किस तरह का फील करता हूँ उस एक्सपीरियंस में। सो वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। मैं ना नहाते नहाते गिर गया था, तो मैं गिरा और मेरे ने पर वो सारा चोट आ गई क्योंकि वो सारा रेत होती है मिट्टी थी नीचे, तो उसकी वजह से छिला गया। लेकिन यार एक सबसे खूबसूरत जो चीज़ है ना कि आप जब इधर इधर सैंड पे चढ़ रहे हो और आपके साथ ये जो परिंदे बैठे हैं, और ये मैं कहता हूँ कि ये अल्फाजों से बयान ही नहीं हो सकता कि इसमें क्या खूबसूरती है, क्या मज़ा आता है कि बहुत लाइक स्पीचलेस है, मैं इतना कहूँगा कि स्पीचलेस है। और अब हम जस्ट वेट कर रहे हैं कि एक दफ़ा हम सूख जाएं क्योंकि अभी वेट हैं सारे, तो जैसे ही हम सूखते हैं ड्राई होने के बाद हम जाएंगे वहाँ से जाके अपने ये पाँव वगैरह धो के और वो सारा कुछ करके हम कुछ खाएंगे, खाने के बाद हम गाड़ी में जाएंगे या खाने से पहले शायद चले जाएं, बट हो सकता है कि हम खाने के बाद गाड़ी में जाएं और गाड़ी में जाके वहाँ हम कपड़े चेंज करें। हम काफ़ी हद तक सूख चुके हैं बट अब जा रहे हैं सारा सामान पैक करके, साथियों ने मुजाहिदीन ने अपना सामान उठा लिया। हम जा रहे हैं वहाँ जाके हमने शॉवर लेना, हम आए इधर बोर्ड वॉक पर और बोर्ड वॉक पर आके हमने शॉवर लिए, शॉवर लेने के बाद अब यहाँ खड़े हैं अपने आप को ड्राई कर रहे हैं क्योंकि हम पूरे वेट हैं। और गजाल जो है वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के, हमने कहा कि हम प्लेन पिज़्ज़ा ही खाएंगे, तो क्योंकि वो ड्राई था इसलिए हमने उसे भेज दिया कि तू जाके वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दे और हम यहाँ खड़े होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप देख लो हम किस तरह पूरे टैन हुए पड़े हैं, हम इधर खड़े बस इंतज़ार कर रहे हैं उसका, वो आएगा फिर वहाँ बैठ के पिज़्ज़ा खाते हैं। हाय वी ऑलरेडी ऑर्डर द लार्ज पाय, इसका में 3 मिनट लगेंगे। ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲਾ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਸ਼ਰਤ ਲਾਣੀ 100 ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 100 ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਨਕਾ ਜੋ ਪੀਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਪੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਫਜ਼ੂਲ ਪੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੇ ਸੇ ਅਗਰ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੋ 10 ਮੇ ਸੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨ 3 ਵੀ ਬਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਾਈਟ। ਨਾ 3 ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 3 भी इनके लिए ज्यादा है। इतना फजूल पिज़्ज़ा यार, इवन दो ये देखो कि चीज सही तरह मेल्ट भी नहीं हुआ और वैसे दे दिया। हाँ वैसे लाइक के दिखने में अच्छा लग रहा था लेकिन टेस्ट नहीं अच्छा। ये इनका नाम है
जर्सी शोर, तो इनसे कभी भी पिज्जा मत खाना अगर कोई भी इधर आए तो इनसे कभी भी पिज्जा मत खाना। सिर्फ वही ना चीज एंड डो है ना, टोमेटो सॉस है, कुछ भी नहीं है। हमने तो प्लेन पिज्जा सोच के मंगवाया था कि चलो ठीक होगा, क्या बोल गए इसके रिव्यूज होंगे 2 out of 10 -2, -2, -2 and 2 and 3 which means के हमारा कह सकते हो कि अगर ओवरऑल इसका देखा जाए तो कितना बनता है 3% बनता है इसकी अगर जो रेटिंग बनेगी वो बनेगी 3% बनेगी 10 में से। ये वीडियो मैं घर आकर बना रहा हूँ क्योंकि बीच पर हमारी समहाउ कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसकी वजह से मैं उसे आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता था और हमें राइट वे मुझे अपनी वीडियोस वगैरह और सब कुछ बंद करना पड़ा था, वरना उस दिन के लिए मेरे पास प्लान्स बहुत सारे थे और वो अच्छे प्लान्स थे कि आप लोगों को पसंद आने थे क्योंकि हमने जाना था कैसीनो जाना था, वहाँ पर जाके गैम्बलिंग करनी थी और भी वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लोर नहीं की थी, जो कि विंटर में मोस्टली क्लोज होती हैं और समर में वो ओपन होती हैं और आपके पास ऑप्शन होता है कि वहाँ जाकर आप उन्हें देख सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो सारा कुछ। यही है कि आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि मैं नहीं कर सका अपना प्लान पूरा, बट जितना अभी तक आप लोगों के साथ ये मैंने शेयर किया है काइंडली इस पर मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो, फेसबुक पे लाइक एंड स्नैपचैट पे ऐड करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग।